बोलो बोलो काम बोलो। मेरी गलती में हूँ तो बोलो, तुम्हारा ट्रैफिक का काम है क्या है? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने मिटाया कर्मियों का वजूद, उठाए सवाल। आरटीओ का काम करने तुम क्यों निकले हो भाई? बोलो बोलो काम बोलो, काम बोलो बोलो काम बोलो काम बोलो काम बोलो काम काम बोलो। बना वो भी बनाओ, बना दे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ बोलो, काम बोलो, काम बोलो, काम बोलो, क्या हुआ, काम बोलो, क्या हुआ? मैं मेरी गलती से मेरी गलती में हूँ तो बोलो, तुम्हारा ट्रैफिक का काम है क्या है? तुम्हारा ट्रैफिक वाले का काम है, ट्रैफिक वाला काम करो आप, तुम्हारा काम है पॉइंट पे खड़े रहने का। ये बोला जाला दिया, मेरा हाइट है तो हाइट में मेरा अलाउ नहीं है, आरटीओ है तो आरटीओ के पास मेरा मेमो बड़ा हुआ है, आरटीओ के पास का मेरा मेमो है। कोई मेरी गलती हुआ तो बताओ। बीच में खड़ी करूं, बीच में। वीडियो आपने देखी किस तरह से ट्रक के आगे मोटरसाइकिल लहराई जा रही है, और लहराने वाले कौन है? वो जिनको कानून की ताकत दी गई है, नियमों का पालन करवाने के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से बिना हेलमेट पहने रेस लगाते नजर आ रहे हैं, वो भी मोटरसाइकिल पर ट्रक से रेस। जी हाँ, कई किलोमीटर ये रेस चली है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर लहराते नजर आ रहे हैं ट्रक के सामने। सोचिए कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? आएगा तो सब कुछ ड्राइवर के माथे ही ना। अब आप सोच रहे होंगे भला बात क्या है, आपने वीडियो में देखा और समझ भी गए होंगे कि ये ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, मोटरसाइकिल से आए हैं, हेलमेट है नहीं और कानून का पाठ पढ़ाने चले हैं ड्राइवर को। लेकिन ड्राइवर भी इनसे दो हाथ आगे निकला, काफी जागरूक और साहसिक ड्राइवर था। इस ड्राइवर ने इनकी खिल्ली उड़ा दी। जी हाँ, 25 अक्टूबर की ये घटना है, अहमदाबाद रिंग रोड की रूट जोधपुर से नासिक महाराष्ट्र का है। ड्राइवर अपने रूट पर जा रहा था, ड्राइवर ने बताया कि इन्होंने पहले वहां पर एक गाड़ी रोकी हुई थी। जैसे ये ड्राइवर वहां से गुजरा इनकी नजर इस पर पड़ी, उनको लगा कि भैया नया शिकार आ गया है, अब इसको जाल में फंसाया जाए, इसका पीछा करने लग गए। कई किलोमीटर तक पीछा किया और किस तरह किया वो आपने देखा। आखिर आगे जाकर रुकवा लिया गया ट्रक के आगे गाड़ी लगाकर। अब नियमों का पाठ ड्राइवर को पढ़ा रहे थे, इतने में उसने ही सवाल कर दिए कि भाई आप ट्रैफिक पुलिस कर्मी हो, आरटीओ का काम करने निकले हो क्या? ये काम तो आरटीओ का है, ड्राइवर ने बोला। यही नहीं, ड्राइवर ने वीडियो बनाई और वीडियो बनता देख कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा थमे, थोड़ा सा घबराए। फिर थोड़ी देर बाद इनका कोई और दूसरा अधिकारी आ गया, यानी कि रुकवाने का काम किसी और का और बातचीत करने का किसी और का। वो यहाँ पर पहुँचे, गाड़ी रोक रखी थी, बातचीत हुई, बहस हुई, ड्राइवर ने जमकर सुनाई। लेकिन ये सारा खेल रचा गया था एंट्री लेने के लिए, ये ड्राइवर के आरोप है। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर 300 रुपए उनसे लिए गए। अब भला बताइए, पीछा भी किया, रोका भी, लेकिन किस लिए? ये तो अब आप जान ही गए, अपने फर्ज से तो मुंह मोड़ लिया इन्होंने। लेकिन ड्राइवर ने भी इन्हें पाठ पढ़ा दिया। ड्राइवर ने ये भी बताया कि ओडीसी माल था जिसकी रसीद उन्होंने कटवा रखी थी। हर बार ड्राइवर ही गलत नहीं होता, यहाँ पर हाइट का आप देख सकते हैं कि रसीद दी गई, यानी कि ओवर हाइट बताया गया है, जिसका यहाँ पर पैसे लिए गए 1000 रुपए। और ओडीसी माल लेकर चले तो कई बार ऐसा माल आ जाता है जिसकी हाइट ज्यादा होती है और उसकी ड्राइवर रसीद कटवा कर चलता है, और ये सबको मालूम है। लेकिन शायद इन्होंने सोचा कि ये तो शिकार है, आओ दबोच ले। बस ये पूरा घटनाक्रम रचा गया और उसके बाद 300 रुपए लेकर वहां से ड्राइवर को जाने दिया गया। खैर, इन कर्मियों ने तो अपना मुंह फर्ज से मोड़ लिया, लेकिन कोई आला अधिकारी इस वीडियो को अगर देख रहा है तो वो इन पर कार्रवाई करे, क्योंकि नियम तो इन्होंने भी तोड़ा है। साफ दिख रहा है कि बिना हेलमेट के वहां पहुंचे, हेलमेट साइड में शोपीस की तरह टांगा हुआ है, तो कार्रवाई तो इन पर भी बनती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम कमल हंसपाल सिंह,
ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस की बहुत वधिया सुविधा सानू ट्रकां वालियां नू दित्ती है। मैं भी अपने दोस्तों मित्रां ने ट्रकां ने सब दे इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल तो ही करवाई। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।